अपने चुनावी घोषणा पत्र में जसपा ने हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% का आरक्षण देने का वायदा किया था। अपने इस वादे को पूरा करते हुए जसपा सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने एक दिन पहले विधानसभा में बिल पास करवाया, जिसे लेकर आज अम्बाला में जसपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और पटाखे छोड़े। उन्होंने इस खुशी को मनाया और कहा कि युवाओं को इससे काफी फायदा मिलेगा। ये बिल एक दुष्यंत भाई साहब एक अकेले आदमी ऐसे हैं जो अपना वादा पूरा करके जा रहे हैं। जो 75% युवाओं के रोजगार के लिए दुष्यंत भाई साहब ने कहा था, वो कल उन्होंने अपना बिल पास करवा के वो उसकी जीत हासिल कर ली है। जितने भी हमारे हरियाणा से जितने भी युवाएं पढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं भी उनको जॉब नहीं मिलती, लेकिन इस 75% जो बिल इन्होंने पास किया है उसके अंदर उनको बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। जितने भी हमारे होंगे, ज्यादातर 75% हरियाणा के होंगे। जननायक जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले प्रदेश में युवाओं से वायदा किया गया था कि निजी दायरे में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं को ही मिलेगी, जिसको पूरा करते हुए एक दिन पहले गठबंधन सरकार में दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में बिल पेश कर पास करवाने का काम किया। इस बिल पर मुहर लगने से अब निजी क्षेत्रों की नौकरियों में हरियाणा वासियों को तवज्जो मिलेगी और 75% आरक्षण भी मिलेगा। इस पर खुशी जाहिर करते हुए अम्बाला में जसपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और पटाखे छोड़े। इस पर जसपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बिल से हरियाणा वासियों को फायदा होगा, क्योंकि अब हरियाणा के निजी उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां हरियाणा के युवाओं को ही मिलेगी। प्रत्येक युवा का रोजगार पाने का सपना पूरा होगा, साथ ही बेरोजगारी दर में भी भारी कमी आएगी। जो ये कल विधानसभा में 70% हरियाणा के बच्चों के लिए रोजगार में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण हुआ है, इसके लिए मैं दुष्यंत जी का और हरियाणा के सभी विधायकों जिन्होंने इसमें साथ दिया उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि दुष्यंत जी जितनी लगन से और मेहनत से इस कानून को बनवाने के पीछे उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम में ये वादा भी किया था नौजवानों से कि मैं ये कानून बनवाऊँगा, और उन्होंने अपना वादा ये पूरा करके दिखाया है। इसी प्रकार और भी जो उन्होंने वादे किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है वो भी दुष्यंत जी चंद दिनों में अपने पूरा करने का काम करेंगे। मैं सभी पार्टी वर्करों का और जिन्होंने विधानसभा में इन कानूनों को पास करवाने में मदद की उनका सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अम्बाला से BS गुलियानी की रिपोर्ट।